जहां से 1857 के पहले स्वतंत्रता संग्राम की यादें तो जुड़ी ही हैं। साथ ही ये वो शहर है जो ना सिर्फ देश के खिलाड़ियों को खेलने के लिए वो खेल के सामान मुहैया करवाता है, बल्कि विदेशी खिलाड़ी भी यहां के खेल उत्पादों से अपने और अपने देश का नाम रोशन करते हैं। मेरठ खेल के सामान का उत्पादन करने में दुनिया की उन चुनिंदा जगहों में से एक है जहां का सामान न सिर्फ देश के कोने कोने में जाता है, बल्कि विदेशों में भी यहां के बैट, बेसबॉल बैट, हॉकी और गोल्फ स्टिक तक का निर्माण होता है। लेकिन पिछली सरकारों की अनदेखी के चलते ये उद्योग दम तोड़ रहा था। लेकिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की महत्वाकांक्षी योजना एक जिला एक उत्पाद योजना शुरू होने के बाद यहाँ का खेल उत्पाद एक बार फिर तेजी से बढ़ रहा है, जिसके बाद यहाँ के उद्योग से जुड़े लोगों में नया उत्साह देखा जा सकता है। मेरठ के अंदर जितने स्पोर्ट्स के बैट वगैरह हैं सारे मेरठ से ही जाते हैं, ऑल ओवर इंडिया के प्लेयर्स इससे खेलते हैं। पहले जो एक या दो प्लेयर्स आते थे, आज की डेट में काफी प्लेयर्स आ रहे हैं। एक जनपद एक उत्पाद से हमें जो रोजगार से बहुत फायदा मिला है, ऐसी बात नहीं है, और कारोबार में थोड़ी तरक्की भी हो रही है। बहुत फायदा, पहले 150 बल्ले बनाता था, अब 200 बना रहा हूँ। इस योजना जो सरकार ने लागू किया है, हमें बहुत फायदा हुआ है, इस रोजगार से भी इस उत्पाद से भी। जीएसटी में काफी बेनिफिट है और बहुत सूटेबल है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की एक जिला एक उत्पाद योजना शुरू होने के बाद हर जिले के खास उत्पादों के निर्माण, विपणन और प्रसार की सहूलियतें उपलब्ध करवाई जा रही हैं, जिसमें मेरठ का स्पोर्ट्स गुड्स प्रोडक्ट्स को भी शामिल किया गया है। मेरठ में स्पोर्ट्स गुड्स उत्पाद से जुड़े उद्यमियों का कहना है कि मेरठ स्पोर्ट्स इंडस्ट्रीज का टर्नओवर एक जिला एक उत्पाद योजना लागू होने के बाद 2 से बढ़कर 4,000 करोड़ हो जाएगा। वहीं इकाइयां लगने से रोजगार की संभावना भी बढ़ेगी। मेरठ की स्पोर्ट्स इकाइयां फिलहाल करीब 4 लाख लोगों को रोजगार दे रही हैं। यहां क्रिकेट किट, फुटबॉल, हॉकी, बॉक्सिंग, एथलेटिक्स, टेबल टेनिस, वेट लिफ्टिंग, पावर लिफ्टिंग, स्पोर्ट्स गारमेंट व जिम आदि की छोटी बड़ी करीब 2000 इकाइयां हैं। इनमें से ऑल इंडिया स्पोर्ट्स गुड मैन्युफैक्चर फेडरेशन के पास करीब 800 से ज्यादा इकाइयां रजिस्टर्ड हैं। एक जनपद एक उत्पाद स्कीम में मेरठ के लिए स्पोर्ट्स गुड्स का चयन किया गया है, और इसके जितनी भी योजनाएं भी चल रही है लोनिंग की, मुद्रा हो या स्टैंड अप इंडिया हो, मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना हो या PMEGP हो, उसके माध्यम से जो हमारे माइक्रो स्मॉल और मीडियम इंटरप्राइजेस हैं उनके लोन में सब्सिडी दी जाएगी, डिपेंडिंग ऑन कितना निवेश वो करना चाहते हैं और किस स्केल की इंडस्ट्री है। अंतर्गत इन उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए हर संभव सहायता प्रदान की जाएगी। जितने भी उस जिले की वित्तीय योजनाएं होंगी उनमें 50% समावेश किया जाएगा, ताकि इन जिले की योजनाओं को अधिक से अधिक लाभ मिले। जब इन जिले की योजनाएं आगे बढ़ेंगी तो यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उनको रोजगार मिलेगा और जिला अपने आप तरक्की कर जाएगा। योजना के सुचारू एवं सफल क्रियान्वयन हेतु संचालित योजनाओं की जानकारी, उत्पादकों की जिज्ञासाओं के समाधान परामर्श, उत्पादन तकनीक, प्रशिक्षण, मार्केटिंग आदि से संबंधित समस्त जानकारियां एक ही स्थान पर उपलब्ध कराने हेतु एक वेब पोर्टल हेल्पलाइन का विकास किया गया है। साथ ही राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर के शीर्ष टेक्निकल रिसर्च एंड डेवलपमेंट तथा प्राविधिक शिक्षण संस्थानों के नेटवर्क को विकसित करके इसे पोर्टल से जोड़ा गया है, ताकि संबंधित क्षेत्र में हुए नए आविष्कारों के लाभों को व्यावहारिक रूप से उत्पादकों तक पहुंचाया जा सके। इस योजना के अंतर्गत स्थापित होने वाली इकाइयों हेतु वित्त पोषण केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं जैसे मुद्रा योजना, स्टार्टअप इंडिया, स्टैंडअप इंडिया, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, मुख्यमंत्री रोजगार योजना एवं विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना आदि के माध्यम से कराया जा रहा है। सरकार द्वारा चलाए जा रहे कार्यक्रमों से दिख रहा है परिवर्तन, बढ़ रहा है उत्तर प्रदेश, विकास के पथ पर अपना उत्तर प्रदेश।